नमस्कार, वेलकम टू कसक विद कौशल। दिसंबर 2012, एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मानवता को शर्मसार कर दिया, और मानवता को नहीं, पुरुषत्व को खासतौर पर शर्मसार किया। हम अपने देश को भारत माता कहते हैं ना, भारत माता इसलिए कहते हैं क्योंकि हम स्त्रियों की पूजा करना जानते हैं। लेकिन 2012 से लेकर के 2020 तक पर अगर आप नजर डालें तो निर्भया जैसी घटनाएं 5 लाख से ऊपर जाती है। विदेशियों लोग भारत देश में आना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि इसे रेप का गढ़ कहा जाता है। कहां हैं हम, किस दिशा में जा रहे हैं? अरे, पुरुष होने पर शर्म होने लगी है। कौन सी घटना है? आप कौन सा राज्य लेंगे और कौन सा उम्र की लड़कियों को लेंगे आप? 19 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष? हाँ, एक तो वो कुछ जो जस्टिफाई करने वाले तर्क लोग देते हैं कि लड़कियों का जो ड्रेस रहेगा इस तरह से, तो बताइए कि क्या रेप की घटनाएं नहीं घटेंगी? अच्छा, 5 वर्ष की लड़कियों ने क्या किया था, कोई है जवाब? और कुछ लोग तो वो लोग होते हैं जो इसमें भी धर्म और मजहब जाति ढूंढने लगते हैं, और ढूंढे भी क्यों नहीं? जिस तरह की हाथरस की घटना हुई उसमें क्यों नहीं कोई ढूंढेगा? एक दलित परिवार अगर वो नहीं होता तो क्या ऐसे ही चुप होता? देख लीजिए टीवी पे, पुलिस लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, डीएम साहब जो है वो चुपचाप मुंह नीचे गर्दन गड़ाए खड़े हुए हैं। कहते हैं ऊपर वाले से पूछो। क्या ऊपर वाले से पूछे? ऊपर वाले ने कहा था? और ये वर्दी पहने वाले वे लोग जो चुपचाप रहते, अरे जरा सोच कर देखो, एक जरा जमीर जरा सभी चिंता नहीं है इन लोगों का। और जमीर जिंदा भी कैसे रहेगा, जिंदा भी कैसे रहेगा? 10-10 लाख, 12-12 लाख रुपया देकर के नौकरी लेते हैं ये लोग। पहले पैसा कमाएंगे या पहले अपना जमीर देखेंगे? वाह, यूं ही चलते रहो, देख लो सोशल मीडिया पे जाकर के देख लो, अगर कोई लड़की मुस्लिम है और उसमें कोई हिंदू वाला है तो ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा। कोई हिंदू लड़की है, कोई हरिजन है, कोई दलित है, कोई स्वर्ण है, हर एक जगह, अरे तुमने उस पर क्यों नहीं कहा, तुमने उस पर क्यों नहीं कहा, तुमने उस पर क्यों, यही करना है। किस मजहब में नारियों को जो है सड़कों पर रखने के लिए कह दिया गया है? किस धर्म में है कोई जवाब? और ये होते कौन लोग हैं, ये कौन लोग होते हैं? ये वही 4 लोग लफंगे होते हैं जो बसों में ट्रेनों में कभी देखे हैं आप, चढ़ जाते हैं वो 4 लोग ग्रुप बांध करके, वो अपने आप को सुपर हीरो मानने लगते हैं और अश्लील गाने गाने लगते हैं। और शरीफ लोग चुपचाप इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि हम शरीफ हैं। ये उसी शराफत का खामियाजा भुगत रहा है भारत आज। जिस दिन ये शराफत वाली गर्दन उठ गई ना, इन लोगों की औकात नहीं है, इन लोगों की औकात नहीं है, समझ लीजिए आप। और यदि कोई माताएं बहनें कोई लड़की अगर सुन रही हो तो सुनो, ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें सरकार से इंसाफ मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलने वाला। 10-12 साल तक यूं ही इंतजार करते रह जाओगे और तब तक तुम्हारे टीवी पर इसी तरह से नीलामी होती रहेगी इज्जत। कौन था, क्या था, कैसा था, क्या हुआ, किस किस को जवाब दोगे? उठो, अरे एक थप्पड़ घूम कर लगाओ उसे, वादा करता हूं उसे थप्पड़ों की कमी नहीं होगी। खींच कर लगाओ तो सही। शर्म आने लगी है पुरुष जाति पे, ऐसे लोगों पे। खुद को पुरुष कहने में शर्म लगती है। अरे शास्त्रों में लिखा हुआ कि पुरुषों को शक्ति इसलिए प्रदान की गई थी ताकि वो देश, समाज और स्त्रीत्व की रक्षा कर सके, लेकिन यहां पर तो साला उल्टा ही हुआ। चौक चौराहे पे बैठे हुए जो लौंडे 4 लोग रहते हैं ना, 2 छेड़ने वाले होते हैं, बाकी 3 लोग जो है तमाशा देखने वाले होते हैं। वो 3 तमाशा देखने वाले, उठो क्योंकि एक दिन तुम्हारे घर की भी कोई हो सकती है। और ये 2 लोग इसी तरह से रसूखदार लोग जो अपने आप को कहते हैं, ये इसी तरह से इज्जत से खिलवाड़ करते रहेंगे। एक बार इन मोमबत्तियों की जगह चिताओं जलाओ
ऑन द स्पॉट, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। किसी को बुरा लगा हुआ तो माफ करना, रखते हैं।